बात करनी है, फिजिकल हेल्थ कैसे गुड हो एक स्पाउस की, जब वो शादी करने जा रहे होते हैं तो क्या क्या हर्डल्स फिजिकली उनको आ सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, और सेकंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंटल अगर इश्यूज आ रहे हैं तो वो क्या हो सकते हैं और उनको कैसे टैकल किया जा सकता है। क्योंकि जब एक कपल बनता है, मियां बीवी मिलते हैं, तो बहुत सारी चीजों का अननोन होते हुए नहीं पता होता। इसी तरह बहुत सारे खवातीन हजरात जो इस नई जिंदगी का आगाज कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि किस तरीके से हमने अपनी इस जो अपनी जो मैरिटल लाइफ है इसको किस तरीके से लेके चलना है, और वो किसी से सवाल करते हुए भी झिझक रहे होते हैं। मैं इस चीज से शुरू करूंगी कि जिस तरह एक लड़की एक नए घर में जाती है तो उसको नहीं पता होता कि वहां की रूटीन क्या है। अब बेसिक कुछ हाइजीन के इश्यूज होते हैं, हाइजीन से मेरी मुराद ये है सफाई के इश्यूज। आप स्टार्ट करते हैं अपनी मैरिटल लाइफ, और अगर आपके पास, अगर एक लड़की जिसकी शादी हो गई है उसके घर में उसके पास अगर कोई इस तरह का कोई सामान ना हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल जो है वो शादी के बाद हमारे पास इन्फेक्शन की कंप्लेन के साथ आती है। अब हाइजीन कैसे बेहतर की जा सकती है वो मेल फीमेल दोनों की पार्ट पे, कि बीमारियों से बचा कैसे जाए और सेहतमंद अजवाजी जिंदगी कैसे गुजारी जाए, इस टॉपिक को मैं लेके चलना चाहती हूँ। तो स्टार्ट यहीं से होता है कि हर घर की अपनी रूटीन होती है। जैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ, यहाँ ये एक सहरा था बहावलपुर का एरिया, तो यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है गुसल का, नहाने धोने का, पानी की बचत की जाती थी। तो वो अबाओ अजदाद से यही उनको ये ट्रेंड मिला कि नहाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो वो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए खवातीन में ये चीज मैंने देखी कि वो इस चीज को प्रेफर नहीं करती थी। अब एक चीज है बेसिक हाइजीन यानी सफाई, निस्फ ईमान हमारा मजहब भी हमें कहता है। लेकिन अगर किसी खातून को आदत नहीं है या किसी मेल को आदत नहीं है डेली बाथ लेने की, तो सबसे पहले ये प्रीरिक्विजिट है, आप चाहे मीटिंग मियां बीवी की हो या ना हो, बाथ जो है वो डेली आपको हजारों जरासीम से बचाता है, आपको सेहतमंद सुबह के टाइम में अर्ली मॉर्निंग या रात को सोने से पहले। अब ये हर घर का डिफरेंट ट्रेंड होता है, एकदम से आप किसी की रूटीन नहीं चेंज कर सकते। तो पहली नंबर पे मैं ये रिकमेंड करूंगी कि वो खवातीन जो शादीशुदा जिंदगी में दाखिल हो रही है, या वो मर्द हजरात, अगर उनकी रूटीन पहले नहीं है तो जरूर उनको जो है इस रूटीन को अपनाना चाहिए। तो बात जो है वो पहली चीज है सेहतमंद रहने के लिए, जिसको हम रिकमेंड करते हैं, और इसकी हम रूटीन में इसलिए बात नहीं करते कि जो लोग नहीं ये इन चीजों को प्रैक्टिस करते वो इस चीज को माइंड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सेफर मैं 5 वक्त अगर नमाज पढ़ती हूँ, मुझसे अगर कोई पूछे कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा कि यार ये कौन होता है मुझसे पूछने वाला, मेरी मर्जी, मैं नमाज मेरा और अल्लाह का मामला है। इसी तरह एक नहाना एक बहुत पर्सनल चीज है, बात लेना। तो अगर आप लड़ाई से भी बचना चाहते हैं तो फिर सिर्फ आप अपनी एग्जांपल पेश कर सकते हैं कि जी ये देखें ये एक सफाई का असूल है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन है, तो बात बहुत जरूरी है डेली, चाहे आप आपस में मिलें या ना मिलें। एक तो चीज है, एक फर्ज है गुसल करना, लेकिन इसके अलावा मैं बात करूं दूसरी चीज, बहुत सी खवातीन को ये मिथ होता है कि शायद हस्बैंड से मिलने के बाद हमें लेटे रहना चाहिए ताकि हमारी प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए, या हमें फौरन गुसल नहीं करना चाहिए या फौरन तहारत नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, एज अर्ली एज पॉसिबल कोई अच्छा वाला टिश्यू रोल हो, मोटे वाला, या कोई कपड़ा कॉटन या नरम जो कपड़ा होता है उससे अपने आप को क्लीन करके वॉशरूम जाना चाहिए, अपनी तहारत करनी चाहिए, और एज अर्ली एज पॉसिबल गुसल कर लेना चाहिए। उसका फायदा क्या होता है कि बहुत से इन्फेक्शन से मर्द और औरत दोनों बच जाते हैं। तो ऐसी मेडिकल साइंस में कोई बात नहीं है कि आप घंटा लेटे रहेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और अगर आप फौरन चले जाएंगे वॉशरूम तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकेगी। ये भी एक मिथ है हमारी सोसाइटी में, और जो है इसकी नतीजे में क्या होता है कि जो है वो टाइम जो है वो लंबा जो है इसी नापाकी की हालत में जो गुजार जाता है वो जरासीम का बायस बनता है। ठीक है, तो फौरन से तहारत कर लेना ये बहुत जरूरी है। फिर तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, हस्बैंड को जरूर पूछना चाहिए कि फीमेल के पीरियड कब शुरू हुए। पीरियड्स में एक पर्सन ने मुझे क्वेश्चन किया कि मैं रह नहीं सकता और मैं पीरियड्स में भी अपनी वाइफ को यूज करता हूँ, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखता हूँ। एक मजहब को अगर एक साइड पे रख के देखा जाए, फर्ज करने से वो मुस्लिम नहीं था, मैं नहीं जानती वो किस मजहब से था, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई गलत है। पीरियड्स के दिनों में जो ब्लड आ रहा होता है वो जो है अगर उस टाइम पे फीमेल जो है उस जो है फीमेल जो है उसका सिस्टम जिसे कहते हैं हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, उसको थोड़ी सी थकावट
नकाहत, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और जो है दर्द की, तकलीफ की वो हालत होती है। कुछ लोगों, खवातीन को कम दर्द होती है, कुछ को ज्यादा। अब ऐसी कंडीशन में बजाय शोहर सपोर्ट करने के अपना हक मांगे और फीमेल को मजबूर करे, तो उसके दो नुकसान होंगे। एक तो उस मेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का रिस्क होने का खतरा है। दूसरा, उस मेल से ऐसे जरासीम फीमेल में जाने का खतरा है जिससे उसको बांझपन हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, उसको लिकोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, वजाइनल डिस्चार्ज और पेन हो सकता है। तो इससे ज़हनी जो कोफ्त होती है वो अलग है। खातून सारी उम्र के लिए, ऐसे जो मेल होते हैं जो जबरदस्ती करते हैं खासतौर पे पीरियड्स के दिनों में खातून के साथ रिलेशनशिप फिजिकल करने के लिए, वो मेंटली उस चीज को अगर एक्सेप्ट ना करे तो सारी उम्र के लिए एक नफरत का बीज बोया जाता है। तो बहुत केयरफुल इस चीज को देखें। जब शादी हो जाए तो हस्बैंड का फर्ज है कि पीरियड्स की डेट का ख्याल रखे। फीमेल को उससे दो तीन दिन पहले ही तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, मूड चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, सर में दर्द होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। और अगर हस्बैंड इस चीज का ख्याल ना रखेगा तो क्या होगा, उसको ये लगेगा कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, ये मेरे साथ ऊंची आवाज में बोल रही है, और वो इस चीज का ख्याल नहीं करेगा कि इसके पीरियड्स आने वाले हैं, तो वो इस चीज को नेगेटिव परसीव करेगा, तो मियां बीवी के झगड़े ज्यादा होने का खतरा है। तो ये बात होगी तीसरी पीरियड्स की, कि पीरियड्स फीमेल को अगर माहवारी आई हुई है, मेंसेस आए हुए हैं, तो उसके उसका उसके इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो इमोशनली अनस्टेबल होती है और वो गुस्सा भी कर सकती है, वो ऊंचा बोल भी सकती है, वो चिड़चिड़ी भी हो सकती है। मेल का काम है कि उसको इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि पीरियड्स में ऐसे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं जिसमें फीमेल को बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। आप उसको फिजिकली टच कर सकते हैं, किस कर सकते हैं, लेकिन इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, जो उसकी फीमेल की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और मेल को भी इंफेक्शन होने का रिस्क है। ये है तीसरी बात। फिर हम आते हैं चौथे नंबर पर कि गैप कैसे करना चाहिए। बहुत से कपल ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं कि हम शुरू में प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते।